हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका तन्मय और आज हम निकल रहे हैं घूमने के लिए हीराकूद डैम। हम लोग हैं नेल्सन मंडेला चौक में और ये रिंग रोड होके हम पकड़ेंगे बर्गर रोड को। तो दोस्तों, रिंग रोड में गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। साइड में आप नदी देखिए, इधर संबलपुर टाउन, नज़ारा ही कुछ अलग है। दोस्तों, हम वो नेशनल हाईवे पहुंच गए हैं। ये साइड है कोलकाता से मुंबई नेशनल हाईवे। हीराकूद डैम और हम जा रहे हैं बुरला साइड। डैम जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है हीराकूद साइड और एक बुरला साइड। तो दोस्तों, ये जो अभी हम लोगों ने में बना है, तकरीबन 2 साल हो रहे हैं इसको। ये जो डैम बनाया गया है, ये बनाया गया है महानदी के ऊपर। ये जो महानदी है, इसके वजह से उड़ीसा की कोस्टल एरिया में बहुत बाढ़ आती थी, तो इसी को देखते हुए ये डैम बनाया गया है। ये डैम 1957 में इनॉग्रेट हुआ था बाय फॉर्मर आर्म मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं हीराकूद मेन डैम। मेन डैम में पानी जाने के लिए 64 लुइस गेट्स हैं और 34 टेस्ट गेट्स हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ रहे हैं, आ गए हैं नेहरू मीनार तरफ। हाँ दोस्तों, और एक बात बताना भूल गया था, इस तरफ है नेहरू मीनार और डैम के उस साइड है गांधी मीनार। अभी तो फिलहाल कोरोना के चलते सब टूरिस्ट प्लेस बंद है, उधर जाने नहीं होगा, तो फिर कभी किसी ब्लॉग में आपको नेहरू मीनार घुमाते हैं।
ना बंद होने के कारण हम लोग डाइक की तरफ घूमने चले गए। उस साइड है उसको सासन कैनाल बोलते हैं। डैम है ये एशिया लॉन्गेस्ट डैम है। ये पहाड़ आप देख पा रहे हैं, वो पहाड़ से स्टार्टिंग है डैम, ऐसे ही करके ये 25 किलोमीटर लंबा है और इसका जो मेन डैम है वो 5 किलोमीटर का है। ये पहाड़ के नीचे पॉइंट को बोलते हैं जीरो पॉइंट। वहाँ पे देवरीगढ़ नेचर कैंप है, वहाँ पे रहने के लिए घर वर बनाए गए हैं, उसको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है। तकरीबन एक रात का 3 या 4 हज़ार कुछ ऐसे रेट है। मिल जाएगा उड़ीसा टूरिज्म में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा वहाँ का। और ये देखिए कुछ नज़ारा यहाँ का, सबसे बढ़िया टाइम यहाँ घूमने का शाम का टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप शाम को आइए और ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर चले जाइए, बहुत ही बढ़िया। ये टोटल है 25 किलोमीटर तक लंबा, देख रहे हैं पत्थर का लाइन का सजाया हुआ है। ये एक सिंबल है, इस साल पानी यहाँ तक आया था, अभी तो फिलहाल नीचे तक है, लेकिन जब मेन बारिश सीजन में ये पानी यहाँ तक आ जाता है। और मैं थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ आपको, यहाँ तक है ऊपर। इतना बड़ा डैम बनने में परेशानी तो आई ही होगी, ऐसे सुना गया है कि बहुत सारे लोग ये डैम बनने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे इस डैम की वजह से और कुछ करीब 22,000 फैमिली को विस्थापित किया गया था। अगर आप आ रहे हैं ये जगह घूमने के लिए तो शाम में निकलिए और घर से पानी एक बोतल लेके जरूर आइएगा, और हो सके तो कुछ स्नैक्स वैक्स ले आइए, आराम से बैठिए, खाना खाइए, मज़े कीजिए और फिर घर जाइए। समय
यहाँ पे एक वाटरफॉल बन जाती है। आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वाटरफॉल हम आपको पास से नहीं दिखा पाए, अभी शाम हो रहा है तो पुलिस वाले हम लोग को जाने नहीं दिए। तो अगर आपको ये देखना है तो आप थोड़ा 4-3 बजे आ जाइए ये वाटरफॉल देखने के लिए। बारिश के महीने में ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल यहाँ बहुत ही देखने को मिलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, लेकिन हीराकुड डैम में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसको हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। फिलहाल आप उसका टीजर ये वीडियो के अंत में ज़रूर देखिए। घर पहुँच चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हम घर पहुंच गए और व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे कहा था कि हम कितने दिन जिए ये जरूरी नहीं, हम उन दिनों में कितना जिए ये जरूरी है।